बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद कंग। आप इस वक्त देख रहे हैं YouTube चैनल क्लोरोफिल एग्रीकल्चर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो मकई की फसल है उसके ऊपर जो एक से ज़्यादा तादाद में कोव्स यानी छलियां जो है ना वो आ रही हैं, उसकी क्या वजूहत है और इसका नुकसान जो है ना वो क्या हो सकता है और हम इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको पहले फील्ड दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये देखें, ये तो इसमें यहाँ पर पौधे से पौधे का फासला ज़्यादा है। ये फासला जो है ये देखें, यहाँ पे भी है मसला। ये भी देखें, ये देखें, यहाँ पे पौधे का फासला जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो यहाँ पर भी मसला है। तो नाज़रीन देखें, जो हमने काफ़ी सारे फील्ड जो है ना वो विज़िट किए हैं इस दफ़ा, तो उसमें जो प्रॉब्लम है ये इसमें एक वैरायटी का मसला नहीं है, यानी जितनी भी कंपनीज के हाइब्रिड हैं ये सभी के ऊपर ही ये मसला दरपेश है। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा जो मसला है वो आप देखें, इस दफ़ा मई की आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कह लें कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है। ये जो है इसकी दो रीज़न्स होती हैं कि ये जो अब नॉर्मेलिटी कह लें इसकी, यानी कि एक तो लो टेम्परेचर की वजह से या टेम्परेचर कमो बेश हो उसकी वजह से भी ये एक से ज़्यादा जो छलियाँ हैं वो पौधे के ऊपर आ जाती हैं। दूसरा जो है इसमें पौधे का फासला अगर ज़्यादा हो तब भी ये आ सकता है। तो अक्सर तो पहले तो हम देख रहे हैं पिछले जो सालों में कि ये मसला जो था ये हमेशा बॉर्डर की साइड पर होता था। आज हमने देखा कि इस साल जो है ना ये मसला खेत के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर, बाकी देखें टेक्निकली अगर हम बात करें कि जो मकई का पौधा है इसकी जो नोड है, हर नोड जो है ना वो छल्ली पैदा करने की अहलियत रखता है। आज हम आपको नोड को भी बता देते हैं कैमरा को। ये देखें ये नोड है, ये वाला नोड है, ये है, ये है, ये देखें पत्ते के साथ ही छल्ली आपको नज़र आएगी, यानी कि ये पौधे का जो हर नोड है वो छल्ली पैदा करने की अहलियत रखता है। ठीक है, तो बाकी जो बात है पैदावार की, मेरे पैदावार के हवाले से अगर हम बात करेंगे, लाजमी देखें आज से 3-4 साल पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था तो लो टेम्परेचर आ था, उसकी वजह से जो था मकई की फसल जो है ना उसकी मैच्योरिटी जो है ना वो लेट हो गई थी। तो हो सकता है इस दफ़ा भी ऐसे हो जाए, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम तो आया है, लेकिन इसको अब हम कवर अप कैसे करें ताकि पैदावार में कमी ना आ सके। तो लाजमी देखें पोटाश का इस्तेमाल जो है ना वो करें, जिसकी वजह से जिससे आप कह लें कि दाना जो है ना उसकी भराई और उसका वज़न जो है ना वो कम नहीं होगा और उससे वज़न बेहतर आएगा। तो आप पोटाश जो है ना वो लिक्विड फार्म में अगर इस्तेमाल करते हैं तो 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से, अगर आप पाउडर वाली जो 51-46 है वो इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 केजी फी एकड़ के हिसाब से उसको फ्लड कर दें, तो इंशाल्लाह पैदावार में बेहतरी आ सकती है। तो बाकी ये देखें दूसरी छली जो है इसके साथ ये कमज़ोर है, तो इसका इफेक्ट होगा लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि जिस छली ज़ाहरी बात है कहते हैं ना कि छली दूसरी आती है तो वो भी खुराक साथ बनाती है, खुराक लेती है, पत्ते से खुराक लेती है, तो उसकी वजह से पैदावार डोनी। लेकिन दूसरी साइड पे अगर जब टेम्परेचर लो है तो उसकी वजह से भी कह लें कि उसका जो वक़्त है दुरानिया वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से छली को जो खुराक है ना वो ज़्यादा मिलेगी। तो पैदावार, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो साहब का यही कहता है कि पैदावार कम नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, आप लोग परेशान ना हों, क्योंकि सारी बात है जब टेम्परेचर लो है तो पौधे की खुराक की तरसील भी बेहतर है। अगर लास्ट ईयर की हम बात कर लें, लास्ट ईयर जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना बहुत जल्दी वार्म हो गया था, अप हो गया था, जिसकी वजह से मकई की फसल जो है ना वो पकी नहीं थी, कहने सूख गई थी। तो इस दफ़ा वो कंडीशन नहीं है, आप देखें कि मकई का महीना जो है ना मई का महीना जो है वो कह लें कि हिस्ट्री के हवाले से देख लें तो ठंडा मौसम है इसमें, तो इसकी वजह से कह लें कि इसको इसका दरानिया भी बढ़ेगा और पौधे जो है ना फसल इस वक्त हरी भरी है, यानी कि सूखने वाली है, कोई प्रेशर जो है ना वो नहीं है, पैदावार इंशाल्लाह अच्छी आएगी, परेशान नहीं होना किसी बंदे ने, क्योंकि अगर ये एक बीज का मसला नहीं है, ये तमाम के ऊपर ही आ रहा है। मैंने सारे फील्ड जो है ना वो विज़िट किए हैं। ठीक है, अब मैं किसी बीज का नाम तो नहीं लेना चाहता, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो बात मतनाज़े हो जाएगी, लेकिन मैंने तमाम कंपनी के जो बीज है ना लगे हुए हैं खेत में वो सारे विज़िट किए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हर जगह पे आ रहा है, कई तो ऐसे पौधे हैं कि कहीं के 6-6 छलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि इसका जो हर नोड है वो अहलियत रखता है छली पैदा करने की,
जो इसमें खेत में खड़े हैं यहाँ पे, तो कह लें कि दो दो हैं, कहीं पे तीन भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो ऐसे कई हाइब्रिड हैं वहाँ पे, छः छः भी निकली हुई हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपकी पैदावार अच्छी आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।